चैनल आज है हमारे पास दी बोल्ड एंड मस्कुलर टाटा हैरियर। ये मॉडल जो है ये है आपका XZA+ डुअल टोन ऑटोमेटिक। मतलब जब हमने ये गाड़ी ली थी जनवरी 2023 में तो इस मॉडल के ऊपर कोई भी मॉडल नहीं था, ये टॉप एंड मॉडल है टाटा हैरियर का। तो चलिए मैं स्ट्रेट अवे इसके इंजन से स्टार्ट करता हूँ। इंजन से पहले यहाँ पे आपको ये हैरियर की बैजिंग मिलेगी जो कि ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है, ये अलग से लगवाया गया है। एंड अब मैं इसका बोनट खोलता हूँ, काफ़ी हैवी है, मुझे हेल्प लगेगी। तो ये मैंने बोनट ओपन कर लिया है, काफ़ी हैवी बोनट था। आपको यहाँ प्रॉपर इसमें इंसुलेशन मिलने वाला है क्योंकि ये डीजल इंजन है, थोड़े से नॉइजी होते हैं इंजन, तो आपका कैबिन नॉइस रिड्यूस करने के लिए आपको यहाँ इंसुलेशन मिलने वाला है। उसके बाद आपका जो ये इंजन है ये सेकेंड जेन हैरियर है। पहले वाली जो हैरियर थी उसमें 140 BHP आता था, सेकेंड जेन हैरियर में 170 BHP आने लगा है। एंड आपको जो इसमें टॉर्क मिलता है वो 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जल्दी से मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, तो चलिए आवाज़ सुनाते हैं आपको इसकी। तो कुछ ऐसा था इसका इंजन साउंड। मैं बोनेट क्लोज करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही हैवी बोनेट है इसका क्योंकि ये 5-स्टार रेटेड गाड़ी है। 5-स्टार में भी पूरे 5-स्टार अटेंड किए इसने, चाहे वो एडल्ट सेफ्टी हो या चाइल्ड सेफ्टी हो। यहाँ से बात करें इसके सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको ये DRLs मिल जाती हैं जो कि इंडिकेटर का भी काम करती हैं। जब भी आप इंडिकेटर देंगे ये आपकी DRL इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आपको ये मिलने वाली है हेडलैम्प का सेटअप, ये हो गया आपका प्रोजेक्टर है। जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो आपका लो बीम है, एंड जो आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा वो आपका हाई बीम है। एंड ये हो गया आपका फॉग लैंप, ये फॉग लैंप एज अ कॉर्नरिंग लैंप भी आपका काम करता है। तो जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अगर आपका फॉग लैंप ऑन नहीं है एंड आपका स्टीयरिंग लेफ्ट और राइट टर्न होता है तो ये जलते हैं, वो मैं अभी आपको अंदर बैठ के दिखाने वाला हूँ। उसके बाद सेंटर पे आपको ये टाटा का लोगो क्रोम फिनिश में, अंदर आपको ग्लॉस ब्लैक मिलेगा। ये जो पूरी ग्रिल है ये भी आपकी ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है। नीचे आपकी नंबर प्लेट की जगह एंड ये ब्लैक में आपकी स्किड प्लेट हो जाएगी। सिमिलर सेटअप आपका इस तरफ भी हो जाएगा। यहाँ हम मूव करते हैं सीधा इसके टायर्स पे। तो जो टायर्स आपको मिलने वाले हैं वो है 235/65R17 टायर्स, जो कि काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है। एंड ये जो आपको डायमंड कट अलॉय दिख रहे हैं ये बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, और सेंटर में आपको ये मिल जाएगा टाटा का लोगो। तो आप विंडशील्ड में देखेंगे तो विंडशील्ड के साथ आपको ये जो वाइपर्स मिलते हैं ये फ्रेमलेस वाइपर हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। एंड इसमें आपको रेन सेंसिंग फंक्शन भी मिलता है, तो ये ऑटोमेटिक वाइपर्स हो गए आपके, जब भी बारिश होगी ऑटोमेटिकली ये वर्क करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अंदर से जो वाइपर का मोड है उसको ऑटोमेटिक पे सेट करना है। यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके मिरर्स, तो ये ऑटो फोल्ड है, जैसे ही आप गाड़ी लॉक करोगे ये बंद हो जाएंगे एंड जैसे ही गाड़ी आप अनलॉक करोगे ये ओपन हो जाएंगे। ये देखिए ये अनलॉक किया मैंने, ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ दरवाजे पे आप देखोगे तो आपको यहाँ ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा एंड ये कवर आपका ओपन हो जाता है। अगर अर्जेंसी में आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप इसको कवर को हटा के अंदर चाबी से एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ ऐसी है इसकी ओवरऑल पूरी साइड प्रोफाइल, जिसकी लेंथ है 4598 mm, तो लगभग 4600 mm इसकी लेंथ हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। साइड में आप देखेंगे आपको यहाँ क्रोम मिल जाता है इस मॉडल में, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके पूरा एंड तक जाता है। इसमें यहाँ पर आपको हैरियर की बैजिंग भी मिलने वाली है। नीचे आपका हो जाएगा डीजल टैंक जिसकी कैपेसिटी है 50 लीटर्स की। इसका मैंने 1 लीटर डीजल टेस्ट भी किया है टाटा हैरियर का, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ इसमें आपको चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा फीचर, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी को काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं चारों डिस्क ब्रेक। यहाँ आप रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा एंड ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाएगा इसमें आपको। यहाँ पे हो गया आपका रियर स्पॉइलर, ये हो गया हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये आपका रियर डिफॉगर एंड ये हो गया वाइपर। इसमें आपको वॉशर भी मिलता है वाइपर के लिए। उसके बाद यहाँ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में टाटा का लोगो मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी रियर पार्किंग कैमरा। टेल लैंप की बात करें, ये हो गई आपकी रिवर्स लाइट, ये हो गई आपकी पार्किंग लाइट, ये हो गई आपकी ब्रेक लाइट एंड ये हो गया आपका इंडिकेटर। इस गाड़ी में आपको रियर फॉग लैंप भी मिलते हैं, तो यहाँ आपको दोनों साइड आप देखोगे तो आपको रियर फॉग लैंप भी मिलने वाले हैं। बीच में आपको यहाँ मिल जाएगी क्रोम फिनिश में हैरियर की बैजिंग। इसकी बूट स्पेस की बात करते हैं, इसका बूट ओपन करके मैं बताता हूँ, इसका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, 425 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। यहाँ पर आपको मिल जाती है पार्सल ट्रे, यहाँ पे भी आप अंदर आपको कुछ इसका स्टोरेज मिल जाता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए अगर आप अंदर कुछ रखना चाहें तो। एंड यहाँ पे आपको टाटा की तरफ से आजकल हर गाड़ियों में जो मिलता है, ये हो गया आपका एयर कंप्रेशर एंड ये हो गया आपका पंचर सीलेंट। उसके बाद यहाँ जैक एंड जैक से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। ये हो गया आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के लिए जगह, तो जो आपका BS6 डीजल इंजन है उसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डलता है, तो हैरियर में यहाँ से डलता है। सारी गाड़ियों में फ्यूल टैंक के साथ ही इसको प्लेस किया जाता है, बट हैरियर में ये बूट के अंदर दिया गया है। यहाँ पे आपको बूट लैंप भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये हुक, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हुक मिल जाता है आपको कुछ टांगने के लिए, जिसकी कैपेसिटी है यहाँ 2 kg लिखा हुआ है।
एंड ये जो सीट्स हैं आपकी ये 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। तो अगर आपके पास कुछ ज्यादा सामान है एंड दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सीट फोल्ड करके इसमें सामान रख सकते हैं, या आप कभी लंबे ट्रैवल में कैंपिंग वगैरह भी करना चाहें तो इसको पूरा फोल्ड करके आप आराम से सो सकते हैं इसमें। इसका बूट क्लोज कर देता हूँ मैं, अब ये कर दिया मैंने इसका बूट क्लोज, एंड इसकी ये वाली साइड प्रोफाइल भी एग्जैक्टली वैसे ही है। वही डोर पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपका ये डिफरेंस है, वहाँ पे आप चाबी से एक्सेस कर सकते हो, इमरजेंसी केस में पैसेंजर साइड से आपको चाबी का एक्सेस नहीं मिलने वाला है। चलिए मूव करते हैं इसके इंटीरियर्स पे। गाड़ी लॉक है अभी, चाबी मेरे पॉकेट में है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये देखिए मिरर खुल जाएगा एंड गाड़ी हो जाएगी अनलॉक। गाड़ी अनलॉक करने के बाद सबसे पहले डोर पे आप देखेंगे ये आपकी हो गई साइड मिरर की सेटिंग अलोंग विद दी फोल्ड ऑप्शन। नीचे आप यहाँ देखेंगे आपको ये सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे और ये हो गया आपका अनलॉक बटन। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे जिसमें कि ड्राइवर वाला ऑटो अप एंड डाउन मिल जाएगा वन टच। ये हो गया आपके साइड विंडोज को अगर आपको लॉक करना है, जैसे जिसमें कि बच्चे पीछे से एक्सेस ना करें तो आप यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो। यहाँ आपको दो बोतल का स्टोरेज मिल जाता है, एक एक लीटर की बोतल ऑलरेडी रखी हुई है एंड उसके बाद भी यहाँ काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपको। नीचे हो गया ये आपका स्पीकर। अब चलिए मूव करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ क्रोम फिनिश में एसी वेंट मिल जाएगा, ये हो गया आपका वुडन फिनिश में स्टार्ट स्टॉप बटन, ये हो गया सिल्वर ग्लॉस फिनिश एंड ये हो गया आपका ब्लैक मैट। यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक मॉडल है तो एक्सीलेटर ब्रेक एंड वो हो गया आपका डेड पेडल। उसके बाद अंदर बैठने से पहले इसकी जो सीट्स हैं आपको दोनों फ्रंट सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स वाला ऑप्शन मिलता है एंड ये जो सीट है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल है, तो आपका कोई भी पोजीशन हो 8-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है ये। तो अंदर बैठने के बाद इसके मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये जो है लेफ्ट साइड आपका डिजिटल दिया गया है, राइट साइड आपका एनालॉग है। तो ये जो लेफ्ट साइड है वो 7 inches है एंड ये राइट साइड में आपका पूरा एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है जिसमें काफी सेटिंग्स है। यहाँ आपको हो गया आपका आरपीएम मीटर एंड ये आपका ड्राइव मोड बताएगा, जैसे कि अभी गाड़ी पार्क्ड है तो ये पार्किंग मोड में है एंड सिटी दिख रहा होगा आपको तो ये बटन से चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मैंने बटन दबाया तो ये इको मोड में आ गया एंड यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बटन दिए तो यहाँ आपको दिख जाएगा स्पोर्ट, तो इससे आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपको सिटी मोड ही मिलेगा। नीचे आपको ये DEF का लेवल मिल जाएगा, ये आपका इंजन का टेम्परेचर हो गया एंड ये हो गया हमारा करंट ओडो। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स में सबसे पहले आपको दिख रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी, उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मिल जाता है, ये आपके हो गए 2 trip meters एंड उसके बाद यहाँ हो गया एक अच्छी चीज जो काफी सही है ड्राइवर के लिए, वो है ड्राइवर अटेंशन असिस्ट। कभी भी अगर गाड़ी को समझ में आता है कि ड्राइवर झपकी ले रहा है या उसको नींद आने वाली है तो वो ड्राइवर को अलर्ट कर देता है वार्निंग के साथ। एंड इसके बाद आपको यहाँ पावर और टॉर्क देख सकते हो आप, करंट रन टाइम पे कितना क्या मिल रहा है आप गाड़ी की ड्राइव पे। एंड ये हो गया सेटिंग्स पे जाके आप और भी सारी चीजें MID से रिलेटेड एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद मैं स्टेयरिंग पे बात करूँ तो स्टेयरिंग आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, ये आपका लेदर रैप्ड है जो कि काफी अच्छा फील करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको एंड कॉलिंग से रिलेटेड। उसके बाद सेंटर पे टाटा का लोगो, यहाँ पे आपको इसमें हॉर्न भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे एयरबैग प्लेस्ड है। ये आप देखेंगे तो ये सारे कंट्रोल्स आपके MID से रिलेटेड हैं, आप कुछ भी यहाँ प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ MID में चेंज होता हुआ दिखेगा। एंड ये जो आपके राइट साइड वाले बचे ये आपके हो गए क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स, तो क्रूज वगैरह कैसे सेट करना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वो इजिली जाके देख सकते हैं एंड हाउ टू ऑपरेट क्रूज कंट्रोल यू कैन चेक देयर। ये देखिए गाड़ी में मैं बैठा हूँ, बारिश चालू हो गई है तो बारिश सेंस कर ली है गाड़ी ने एंड ये वाइपर्स अपने आप चलेंगे ये देखिए। उसके बाद मैं इस स्क्रीन की बात करता हूँ तो इसका जो साइज है 10.25 inch है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का भी सपोर्ट मिलता है अलॉन्ग विद दी FM USB AUX फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। साउंड की बात करूँ तो साउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, टोटल आपको 9 speaker सेटअप सिस्टम मिलता है, 4 हो गए आपके स्पीकर, 4 हो गए आपके ट्विटर एंड 1 हो जाएगा आपका सबवूफर। तो ये सब मिलके आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी देते हैं। जो आपको इसमें साउंड सिस्टम मिलता है वो JBL का मिलता है, आप यहाँ बैजिंग भी देख सकते हो JBL की, ये देखिए JBL की बैजिंग लगी हुई है। एक चीज इसमें अच्छी है जो कि आपको इसमें AQI बताता है आपके कैबिन की, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं आपका एयर प्योरिफिकेशन ऑन है एंड अभी जो इसमें एयर क्वालिटी दिखा रहा है वो काफी अच्छी क्वालिटी की दिखा रहा है। नीचे आपको AC से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे प्लेयर से रिलेटेड, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 AC वेंट्स, नीचे आपका ये हो गया रियर फॉग लैम्प की बटन, यहाँ प्रेस करेंगे तो आपका रियर फॉग लैम्प मिल जाएगा, ये हो गया आपका फ्रंट फॉग लैम्प की बटन, ये हो गई आपकी हैजर्ड वार्निंग, ये हो गया आपका इकोनॉमी मोड एंड ये हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड। अगर ये दोनों मोड बंद है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको सिटी मोड लिखा हुआ दिखेगा। नीचे आप जाएंगे तो आपको सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटिक AC से रिलेटेड मिल जाएंगे, तो ये हो गया आपका पूरा ऑटोमेटिक AC का पैनल,
यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर ग्लॉस फिनिश दिया गया है, ये आपका वुडन फिनिश है एंड ये आपका ब्लैक लेदर में दिया है। ये पूरा सॉफ्ट टच है, आप इसको प्रेस करेंगे बहुत ही अच्छा टच दिया हुआ है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो काफी अच्छा लगा। वहां पे आप देखोगे तो अगेन आपको क्रोम एंड सिल्वर फिनिश में एसी वेंट मिल जाएगा लेफ्ट वाला। आप देखेंगे तो आपको दो पोर्ट मिल जाते हैं, एक ये हो गया यूएसबी पोर्ट, ये हो गया आपका ऑक्स पोर्ट एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए तीन मोड मिल जाते हैं, एक आपका नॉर्मल सिटी मोड हो गया, ये हो गया आपका वेट मोड एंड एक हो गया आपका सेंड मोड। उसके बाद यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ की बटन मिल जाएगी। ये है अपना ऑटोमेटिक मॉडल, तो उसका ये लीवर है, सबसे पहला मोड जो पी वो पार्किंग मोड है, ये हो गया आर आपका रिवर्स, ये हो गया आपका न्यूट्रल एंड डिफॉल्ट ड्राइव मोड। इसको आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको लेफ्ट में लीवर शिफ्ट करना पड़ेगा एंड प्लस माइनस के थ्रू आप इसके गियर अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये जो आपका हैंड ब्रेक की बटन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलने वाला है आपको, तो जैसे ही आप इसमें नीचे प्रेस करेंगे तो हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगा। ये बटन हो गई आपकी ऑटो होल्ड एंड ये सब आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, तो काफी अच्छा लग रहा है वो। यहाँ पे आपके हो गया बॉटल या कप होल्डर, ये हो गया आपका रियर आर्मरेस्ट एंड आर्मरेस्ट के अंदर कुछ ऐसी स्पेस दी है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का एक चार्जर ये मिल जाता है, एक आपको यूएसबी चार्जर मिल जाता है और एक आपको मिल जाता है टाइप सी वाला चार्जर। उसके बाद यहाँ लेफ्ट डोर में अगेन आपको दो तीन बॉटल के लिए होल्डर मिल जाता है, वो हो गया आपका ग्रैब हैंडल, ये हो गया आपका साइड विंडो के कंट्रोल एंड वो हो गया आपका दरवाजा ओपन करने के लिए। उसके बाद ये आपका ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ मैं, ग्लव बॉक्स काफी स्पेशियस है एंड इसकी डेप्थ भी ज्यादा है एंड इसमें आपको डुअल कंपार्टमेंट मिलते हैं। ये देखिए ऊपर अलग है आपका एंड ये नीचे अलग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनवाइजर के साथ मिरर भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको प्लेन सनवाइजर मिलता है। यहाँ सेंटर में बात करें तो ये IRVM है, ये ऑटो डिमिंग IRVM है, तो ये आपका डे एंड नाइट अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट करता रहता है, आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। आपकी हो गई कैबिन लाइट से रिलेटेड चीजें एंड ये हो गया आपका सनरूफ से रिलेटेड। तो सबसे पहली बटन से आपका ये खुल जाएगा ब्लाइंड, ये देखिए ये ब्लाइंड पूरा पीछे तक खुल जाएगा। सनरूफ अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि वो रेन सेंस कर रहा है, तो रेन सेंस करने के कारण वो सनरूफ ओपन नहीं होगा जिससे आपका कैबिन खराब ना हो। अगर बारिश बंद हो जाएगी तो मैं सनरूफ खोल सकता हूँ, बट अभी बारिश हो रही है तो मैं सनरूफ नहीं खोल सकता। इस गाड़ी की चाबी कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपको ये टाटा का लोगो मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको ये मिल जाती है अनलॉक बटन, ये हो गया आपकी लॉक बटन, ये फाइंड माई कार बटन एंड ये हो गया आपका बूट के लिए बटन। बट टाटा से एक शिकायत मुझे ये है कि चाहे पंच लो, अल्ट्रोज लो, टॉप मॉडल, हैरियर, सफारी कोई भी लो, आपको यही चाबी मिलती है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी और इम्प्रूव चाबी मिल सकती है हैरियर और सफारी में, आपको क्या लगता है आप कमेंट में प्लीज बताइए। इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, कुछ ऐसी मिलने वाली है आपको इसकी रियर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा उसके साथ ये दरवाजा खोलने के लिए, वहां पे आपको विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे एंड नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए। उसके बाद एयरबैग की बात करें तो आपको इसमें टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं, दोनों साइड आपको फुल कर्टेन एयरबैग मिलने वाले हैं। एंड हम रियर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड आपको लॉन्ग जर्नीज के लिए गाड़ी काफी कंफर्टेबल है, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, आप कितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। तो बात करते हैं कि हैरियर चलती कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें तीन मोड मिल जाते हैं, सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट मोड। जैसे कि मैं भी स्पोर्ट मोड में हूँ तो आपको पावर इतना ज्यादा मिल जाएगा कि आपको यूज ही ना करते बने इतना पावर, आप एक्सीलेटर टच करेंगे और गाड़ी उड़ेगी सीधा। तो जनरली लोग इसको सिटी और इकोनॉमी में ही चलाते हैं एंड आपको कहीं भी फील नहीं होने वाला कि इसमें पावर की कमी है, डीजल इंजन है, लैग होगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, बहुत ही शानदार चलती है। ये जो वेरिएंट है ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसलिए इसमें टॉर्क कन्वर्टर वाला वेरिएंट है ये, तो इसमें आपको कुछ भी लैग समझ नहीं आता है, बहुत ही प्यारी चलती है गाड़ी। आप कितनी भी स्पीड पे हो, ज़्यादा हो, कम हो, आपको कहीं कुछ भी समझ नहीं आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी ये गाड़ी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो उस टाइम जब मैंने ली थी ये 2023 जनवरी में, तो उसका एक शोरूम था 22.5 या 6 समथिंग एंड जो हमको ऑन रोड मिली थी आफ्टर ऑल दी डिस्काउंट, तो आप कंप्लीट 26 लाख बोल सकते हो, तो 26 लाख में ये टॉप मॉडल ऑटोमेटिक हमको पड़ा था 2023 जनवरी में। तो कुछ ऐसा था हैरियर ऑटोमेटिक का रिव्यू, मैंने डिटेल में कोशिश की आपको साथ शेयर करने की। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।